क्या आपको मालूम है कि सुजुकी कार्स यानी आल्टो, वैगनार, कल्टस, बोलान, कैरी डब्बा और पिकअप की इस वक्त कीमतें क्या हैं? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि 2018 से लेकर अब तक यानी 2023 तक सुजुकी कंपनी की गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? अगर आपका जवाब हाँ में है तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सुजुकी कार्स के हवाले से बहुत ज्यादा मालूमती होने वाली है। दोस्तों, सुजुकी कार्स की कीमतों में इस साल अप्रैल में एक बार फिर बड़ा इजाफा किया गया, यानी मुख्तलिफ कारों की कीमतों में 1 लाख से 2.5 लाख रुपए के दरमियान तक का इजाफा देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी आल्टो की, जो जबरदस्त फ्यूल एवरेज और दीगर खूबियों के बायस आते ही छा गई। इस कार की फ्यूल एवरेज 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर है। 658 सीसी की ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में मौजूद है। ये कार 4 वेरिएंट में दस्तयाब है, मैनुअल में VX और VXR, जबकि ऑटोमेटिक में VXR AGS और VXL AGS। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। सुजुकी आल्टो VX की नई कीमत 22,51,000 रुपए है, जबकि इससे पहले इसकी कीमत 21,44,000 रुपए थी। सुजुकी आल्टो VXR की इस वक्त कीमत 26,12,000 है, जबकि इससे पहले 24,87,000 थी। VXR EGS की इस वक्त कीमत 28,00,000 रुपए है, जबकि इससे पहले 26,65,000 रुपए थी। VXL AGS की ताजा प्राइस 29,35,000 रुपए है, जबकि इससे पहले इसकी कीमत 27,95,000 रुपए। बात करें वैगनार की तो वो भी आल्टो से कम नहीं। वैगनार की 3 अक्साम हैं, मैनुअल में VXR और VXL, जबकि AGS ऑटोमेटिक है। वैगनार VXR की कीमत में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इजाफा किया गया। इसकी इस वक्त नई कीमत 32,14,000 रुपए है। वैगनार VXL में 1,64,000 रुपए के इजाफे के बाद इसकी कीमत 34,12,000 रुपए है। AGS यानी ऑटोमेटिक की बात की जाए तो 1,80,000 रुपए के इजाफे के बाद इसकी नई कीमत 37,41,000 रुपए है। अब आते हैं सुजुकी कल्टस की तरफ। ये भी वैगनार की तरह 998 सीसी ही है और इसकी पेट्रोल एवरेज भी तकरीबन वैगनार के बराबर है। सुजुकी कल्टस 1 लीटर में 14 से 18 किलोमीटर की एवरेज देती है और ये भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में दस्तयाब है। इस वक्त कल्टस VXR की कीमत 37,18,000, जबकि VXL की कीमत 40,84,000 रुपए है। कल्टस AGS यानी ऑटोमेटिक की कीमत 43,66,000 रुपए है। तो दोस्तों, अब बारी आती है सुजुकी स्विफ्ट की। तो ये है 1200 सीसी ऑटो और मैनुअल दोनों में दस्तयाब है। इसकी पेट्रोल एवरेज 12 से 18 किलोमीटर है। इसकी भी 3 अक्साम हैं और इसकी कीमतों में कमोबेश 2 लाख रुपए तक का इजाफा देखने को मिला। स्विफ्ट GL की इस वक्त कीमत 42,56,000 रुपए है और GL CVT की कीमत 45,74,000 रुपए है, जबकि GLX CVT की कीमत 49,60,000 रुपए है। GL CVT और GLX CVT दोनों ऑटोमेटिक हैं। सुजुकी जिम ने GAMT, विटारा GLX और APV 1.5L की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। जिम ने GAMT 60,49,000 रुपए, विटारा GLX 69,15,000, जबकि APV 1.5L 62,90,000 रुपए में ही मिलेगी। सुजुकी जिम ने 658 से 1462 सीसी तक पेट्रोल में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में दस्तयाब है। इसकी फ्यूल एवरेज 11 से 16 किलोमीटर है। विटारा की बात करें तो ये पेट्रोल में 1586 सीसी ऑटोमेटिक है। इसकी फ्यूल एवरेज 13 से 14 किलोमीटर बताई जाती है और APV 1493 से 1590 सीसी पेट्रोल गाड़ी है। ये सिर्फ मैनुअल में दस्तयाब है। इसकी फ्यूल एवरेज 12 से 13 किलोमीटर।
अब आते हैं सबसे ज्यादा सेल होने वाले सुजुकी बोलान कैरी डब्बे की तरफ। सुजुकी बोलान कैरी डब्बे की कीमत में तकरीबन 1 लाख रुपए का मजीद इजाफा हुआ। इसकी कीमत 19,44,000 रुपए है। ये 796 सीसी है। इसकी एवरेज की बात करें तो 12 से 13 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें दूसरी किस्म कार्गो वैन है जिसकी कीमत बोलान कैरी से सिर्फ 4,000 रुपए कम है। सुजुकी रावी की बात की जाए तो इसकी कीमत में 86,000 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इसकी नई कीमत 17,81,000 और 18,56,000 रुपए है। सुजुकी रावी 796 सीसी है जो कि 12 से 15 लीटर एवरेज देती है। आखिर में सुजुकी एवरी की कीमत भी आपको बताते चलें। इसकी ताजा कीमत 11 लाख से 14 लाख रुपए है। 658 सीसी ऑटोमेटिक में पेट्रोल गाड़ी है। फ्यूल एवरेज 14 से 21 किलोमीटर बताई जाती है। अभी रुकिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब हम आपको बताने लगे हैं कि 2018 से अब तक सुजुकी कार्स की कीमतों में कितना इजाफा हुआ। 2018 में सुजुकी कल्टस की कीमत 11 लाख से 13 लाख रुपए के दरमियान थी जबकि वैगनार की कीमत 10 लाख से 11 लाख के दरमियान, सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 14 लाख से 15 लाख के दरमियान, बोलान कैरी डब्बा की कीमत 7.5 लाख के लगभग, सुजुकी रावी पिकअप की कीमत 7 लाख रुपए थी। 2018 में डॉलर की कीमत की बात करें तो 140 जबकि 2023 में इस वक्त डॉलर की कीमत 286 रुपए है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि कारों की इस वक्त कीमत डॉलर के रेट के हिसाब से क्या होनी चाहिए थी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो पर बहुत सारी मेहनत की है तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक तो जरूर दे दें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कीजिएगा ताकि हर फॉर सेल गाड़ी के हवाले से वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारी इस वीडियो को अपनी आईडी पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच जाएं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ये भी बताइएगा कि कहां से हमसे गलती हुई। इंसान से गलती जरूर हो सकती है, आप में अगर कोई ज्यादा समझदार है और उसने हमारी कोई गलती नोट की है तो वो जरूर कमेंट्स में बताए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।